सरकारी काम कैसे होता है, यह ताजा उदाहरण जलगांव में देखने के लिए मिला है। पिछले 8 दिनों से गायब कोरोना पॉजिटिव महिला सरकारी अस्पताल के बाथरूम में मृत अवस्था में मिली। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और इस बात से साबित होता है कि सरकारी अस्पताल में साफ सफाई के किस तरह से 12 बजे होंगे, क्योंकि अगर यहाँ कोई साफ सफाई करने के लिए आता तो यह महिला उसे जरूर मिल जाती। जब यह महिला गायब हुई थी उस वक्त जिला पेठ पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सरकारी अस्पताल के सीसीटीवी की जांच भी करनी चाहिए और तब पता चला कि सरकारी अस्पताल के लगभग सभी सीसीटीवी बंद हैं। अब इस तरह के कारोबार से क्या पता चलेगा कि लापरवाही किसकी मानी जाए। जो महिला कोरोना पॉजिटिव थी वो आखिरकार बाथरूम तक पहुँची कैसे और कोरोना पॉजिटिव मरीज को इस तरह इस जगह पर कैसे रखा गया था जहाँ उसका ध्यान देने वाला कोई नहीं था। हालांकि यह बात तो जाहिर है कि जलगांव में सरकारी अस्पताल और प्रशासन की हालत बहुत पतली है। सभी बड़े अधिकारी अपने हाथ साफ रखना चाहते हैं और इस वजह से कोई भी अधिकारी शायद बड़ा कदम उठाने से डरता है। सूत्रों से पता चला है कि आज की इस घटना के बाद सरकारी कॉलेज के डीन के साथ साथ 7 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन क्या ये निलंबन से मृत वृद्धा वापस आ जाएगी, क्या इस तरह के निलंबन के बाद सरकारी अस्पताल सुधर जाएगा, यह एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। फिलहाल जलगांव में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है और अगर हालात इसी तरह रहे तो 2000 से 5000 और 5000 से 10000 तक पहुंचने में जलगांव को देर नहीं लगेगी। जलगांव से जकी अहमद, धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। सर्वमंगलम् नक्षत्रमंगलम् अलंकारमंगलम् रतनलाल सिंह वाहना ज्वेलर्स भारतवर्ष का स्वर्ण।